गंगाधर राव का जन्म 1814 में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवराव भाऊ नेवालकर और माता का नाम पद्माबाई था। गंगाधर राव नेवालकर उत्तर भारत में स्थित झांसी के पांचवे राजा थे, जो कि झांसी के पहले शासक रघुनाथ हरि नेवालकर के वंशज थे। गंगाधर राव के पूर्वज महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से आए थे। पेशवाओं के शासनकाल में इनमें से कुछ खानदेश चले गए और वहाँ पेशवा और होलकर सेना में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने लगे। रघुनाथ हरि नेवालकर ने बुंदेलखंड में मराठा साम्राज्य स्थापित किया था और जब वे बूढ़े होने लगे तब उन्होंने अपने छोटे भाई शिवराव भाऊ को झांसी सौंप दी। 1838 में रघुनाथ राव तृतीय के देहांत के बाद 1843 में ब्रिटिश शासकों ने उनके छोटे भाई गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित कर दिया। गंगाधर राव का पहला विवाह रमाबाई से हुआ था, जिसकी जल्द ही मृत्यु हो गई। रमाबाई कभी भी झांसी की महारानी नहीं बनी, क्योंकि रमाबाई की मृत्यु के बाद ही गंगाधर राव ने 1843 में राजा की उपाधि धारण की थी। दरअसल गंगाधर राव के राजा बनने के पीछे एक कहानी है। रामचंद्र राव के कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए इन्होंने अपने भाई रघुनाथ राव के बेटे कृष्णा राव को गोद ले लिया। उस समय शास्त्रों और पंडितों ने कृष्णा राव की गोद लेने को मान्यता नहीं दी, इस कारण रामचंद्र राव ने रघुनाथ राव को राजा बना दिया। रघुनाथ राव एक अयोग्य शासक सिद्ध हुए, उनके कारण झांसी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने लगी। इस कारण 1837 में ब्रिटिश शासकों ने उनसे सत्ता छीनकर अपने हाथ में ले ली। रघुनाथ राव के देहांत के बाद फिर से ये सवाल उठा कि अब झांसी की सत्ता किसे सौंपी जाए। ऐसे में राजा बनने के लिए चार लोगों के नाम थे, रघुनाथ राव के छोटे भाई गंगाधर राव, रामचंद्र राव के दत्तक पुत्र कृष्णा राव, रघुनाथ राव की महारानी और रघुनाथ राव की दासी गजरा का पुत्र अली बहादुर। इन चारों में से राजा चुनने के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसमें गंगाधर राव को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मानकर उन्हें झांसी की सत्ता सौंपी गई। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ अधिकार अपने पास रख लिए, क्योंकि रघुनाथ राव के शासनकाल में झांसी पर कुछ कर्जा हो गया था। इसीलिए अंग्रेजों ने यह तय किया कि जब तक उन्हें पूरे पैसे नहीं मिल जाते, वे झांसी के शासन में अपना हस्तक्षेप रखेंगे। गंगाधर राव एक योग्य शासक थे, इसीलिए सत्ता मिलने के बाद उन्होंने जब मणिकर्णिका से विवाह किया, उसके कुछ सालों में ही अंग्रेजों का सारा कर्जा उतार दिया। जब सारा कर्जा उतर गया, तब झांसी का पूर्ण शासन लेने की बात आई, तो अंग्रेजों ने झांसी को पूरी तरह से लौटाने पर सहमति सिर्फ इस शर्त पर दी कि गंगाधर को अंग्रेजों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होगी और इसका पूरा खर्चा भी उठाना होगा। गंगाधर को न चाहते हुए भी यह शर्त स्वीकार करनी पड़ी। गंगाधर राव ने झांसी को व्यवस्थित करने के लिए बहुत से कार्य किए। उन्होंने कुछ योग्य और अनुभवी मंत्रियों को प्रशासन के लिए नियुक्त किया, फिर उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ियों को व्यवस्थित किया और झांसी की चारों तरफ से सुरक्षा को सुनिश्चित किया। इस तरह बहुत ही कम समय में झांसी ने बहुत विकास किया। महाराज गंगाधर राव को हाथी और घोड़ों का बहुत शौक था, उनके पास बहुत से हाथी और घोड़े थे। राज्य और प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद महाराज गंगाधर राव ने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा शुरू की। इस धार्मिक यात्रा में वो गया प्रयाग होते हुए वाराणसी पहुँचे। वाराणसी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान था। यहाँ पहुंचकर महाराज ने प्रार्थनाएं की, दान किया और अन्य धार्मिक कार्य किए। फिर वो झांसी लौट आए और यहाँ उन्होंने सफल धार्मिक यात्रा के लिए बड़ा उत्सव किया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। महाराजा और महारानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। उनका यह पुत्र 4 महीनों के बाद दुनिया छोड़कर चला गया। अपने पुत्र के जाने के गम में गंगाधर बहुत उदास रहने लगे। अक्टूबर 1853 में नवरात्र के दिनों में अपनी कुलदेवी की आराधना करते समय उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और दशहरे के दिन उन्हें तीव्र पेचिस की बीमारी का पता लगा। हालांकि उन्हें लगता था कि वो अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने धर्म और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वासुदेव नेवलकर के पुत्र आनंद राव को, उस समय मात्र 5 साल के बालक थे, को सभी धार्मिक अनुष्ठानों के साथ गोद ले लिया। गोद लेने के बाद आनंद राव का नाम बदलकर दामोदर गंगाधर राव रखा गया। गोद लेने के पारंपरिक अनुष्ठान में राज्य के सभी गणमान्य व्यक्ति और बुंदेलखंड के ब्रिटिश राजनायक मेजर एलिस और लोकल ब्रिटिश आर्मी के अधिकारी कैप्टन मार्टिन मौजूद थे। जब महाराज ने गोद लेने की सभी राजकीय प्रक्रियाएं पूरी कर ली, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखवाया कि मैंने जिस 5 साल के बालक को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया है, उसका नाम आनंद राव है, लेकिन वो अब से दामोदर गंगाधर राव के नाम से जाना जाएगा। यह बच्चा हमारे परिवार का ही सदस्य है और रिश्तेदारी में मेरा पौत्र है। यदि मैं अभी इस बीमारी से नहीं बच पाऊँ, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरे छोटे से बालक की सुरक्षा करेगी और जब तक मेरी पत्नी जीवित है, वह इस राज्य और मेरे पुत्र की संरक्षक होगी। वह पूरे राज्य की प्रशासक होगी, इसलिए आप सुनिश्चित करें कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी को
को झांसी में शासन करते हुए किसी समस्या का सामना न करना पड़े। गंगाधर राव ने यह पत्र मेजर एलिस को दे दिया। उसके तुरंत बाद वो बेहोश हो गए। मेजर एलिस और कैप्टन मार्टिन ने उन्हें दवाई दी और लौट गए। महारानी लक्ष्मीबाई नेपथ्य में अपने पति के पास आकर बैठ गई और दवाई के कारण राजा को नींद आ गई। और रात 4 बजे राजा ने आँख खोली तब प्रजा अपने प्रिय राजा के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए महल के सामने एकत्र हो रखी थी। लेकिन प्रजा की शुभकामना और मेजर एलिस की भागदौड़ और अंग्रेज डॉक्टर को बुलाना कहीं काम नहीं आया, क्योंकि राजा ने अंग्रेजी उपचार लेने से मना कर दिया और 20 नवंबर 1853 की मध्य रात्रि को महाराज ने देह त्याग दी।